ये हो गया ब्रेक एयर बूस्टर जो एयरबैग्स के लिए काम करता है, और ये जो है मेन एयर पाइप जो हॉर्न के लिए चलता है ये वाला, और ये जो है मैंने एक्स्ट्रा अल्टर की थी कुछ इस तरह का टी लाकर मार्केट से, अपने को बाहर मिला नहीं था कहीं पर, तो मैंने सोचा ये तो इलेक्ट्रिशियन के पास ही मिलेगा जो हॉर्न का काम करता है और बैटरी का काम करता है, तो मैंने उसके पास जाकर पूछा तो ये चीज़ मुझे मिल गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दिया है। ओके, ये तो हो गया, और यहाँ पर जो है मेन अपना जो वाइपर का एक्सटर्नल चलाना चाहते तो मैंने यहाँ से वाइपर का ले लिया है, और ये जो है मीटर पाइप है जो एयर मीटर गेज करता है, ये जो है मीटर पाइप है, ये हॉर्न का होगा, ये वाइपर का होगा और ये मीटर पाइप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैंने इसे खोलने की कोशिश की थी तो ये जो है घूम रहा था, पीछे से जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पाइप आएगा जो मीटर पाइप है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना वही पाइप है, तो उसे मैंने खोलने की कोशिश की थी तो ये जो है यही घूम रहा था गोल, तो उसे मैंने छोड़ दिया, और इसे उठाने की भी कोशिश की तो पीछे जो है नट लगे हुए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटा सा स्क्रैच आ गया, तो इसे छोड़ दिया मैंने कि आगे मैं ब्रेक बूस्टर से कनेक्शन लूँ इसका, और यहाँ पर जो है मैंने इसका प्लेसमेंट यहाँ पर दिया है ताकि आसान हो जाए। ये आपको तो इस कुछ इस तरह का काम करेगा, अभी तो आगे क्लोज ठीक करने के लिए, तो इसका हो गया क्लोज, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पर दोनों होल्स किए थे मैंने, इसके पीछे आपको दिख रहा नहीं है, यहाँ पर होल्स करके कुछ इस तरह का मैंने ऑल्टर किया था यहाँ पे, ताकि यहाँ पर जो है प्लेस बहुत कंजेस्टेड होती है, यही बार बार आड़े आता है इंडिकेटर डालने निकालने पर, तो मैंने सोचा यहाँ पर लगाऊँ पहले, पर क्लच डालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैंने सोचा यहाँ पर लगा दूँ, तो ये जो है बेटर प्लेस रहेगा मुझे, यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से बैठे तो ज़्यादा दूर भी नहीं है द ऑन ऑफ करने के लिए, बस इधर ऑन है इधर ऑफ है बस खत्म।